स्विमिंग हमें किसी को नहीं आती, जो होती नहीं होती थी, छुड़ैलें होती थी। प्लान्स ऑफ गोइंग इनटू द पूल। सो फाइनली 11:30 बज रहे हैं, हम रिजॉर्ट पहुंच गए हैं अपने स्टे पे और हमें बहुत तेज भूख लग रही है, तो अब हम कहीं खाने। बहुत तेज भूख लग रही पर तो यहाँ पे लगी पड़ी है। हाय, 11:30 बज गए पर यहाँ हमारे 12 बज गए। आ जाओ चुपचाप। सी यू एट द रेस्टोरेंट। तो मैं सो के उठी थी और उसके बाद से मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ऐसा बहुत ही रैंडम सा प्लान बन गया। मतलब रैंडम तो नहीं बोलूँगी बट ऐसा बहुत जल्दी जल्दी में भी प्लान की ठीक है लेट्स गो, क्योंकि हम आते ही खाना खाने के बाद सो गए थे एंड हमारा दिन निकल गया था। एंड हार्डेस्ट थिंग हम जब सो के उठेंगे तब हम कहीं बाहर जाएंगे। सो वी वेंट टू कैंडोलिन बीच और हमने डिनर किया एंड उसके बाद हमें घर आए। नाउ वी हैव प्लान्स ऑफ गोइंग इन टू द पूल एंड थोड़े से टायर्ड हैं बट ठीक है, रोज़ घुमाने आते हैं सो इट्स फाइन। एंड लुक हु इज हियर। अच्छा बोलो बोलो, मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट माय हेयर कलर? ऋषभ भाई आप भी आओ, एक एक करके पूछते हैं। बोलो हाउ डू यू लाइक माय हेयर कलर? जब मैंने इसे बार देखा था तो वो नहीं होती थी पुरानी हवेली में, जो होती नहीं होती थी, छुड़ैलें होती थी। गजब बेइज्जती है। मुझे तो वैसे वाली फील है। अब तूने सही, तूने सच बोला है। अरे वो अक्षय कुमार की मूवी नहीं थी, कौन से वो, उसमें रेखा का एक कैरेक्टर था। हाँ, मैडम माया। कौन मैं? तो ये मतलब अच्छा है या नहीं? चलो तो फिर अगर हम पूल में जाएंगे तो मैं वहां का क्लिप आई डोंट थिंक शूट कर पाऊंगी बिकॉज पानी वानी है बट लेट्स सी। हम कैब बुक करवाने जा रहे हैं। एक्चुअली हम एक लोकेशन देखने जा रहे हैं और हम उसके बाद लोकेशन देखने के बाद खाना खाएंगे क्योंकि हमें थोड़ी सी बुक करनी है और साथ में बस हल्का से कुछ स्नैकिंग करनी है। और साला चलता है मुझसे मजनू। और उसके बाद फिर हम जाना है हमें शाम की एक बहुत ही अच्छी जगह, तो हम उसके लिए कार बुक करेंगे रेंट करने के लिए एंड देन हम घर जाके रेडी होंगे और उसके बाद हम कैसीनो निकलेंगे। अभी फिलहाल बस एक छोटी सी शाम की आउटिंग के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी। रात में हम गए थे तो बिग डैडी कैसीनो एंड इट वाज रियली रियली प्रिटी। बाहर से ये व्यू है उसका, यहाँ पे कुछ और कैसीनोस थे बट वी चोज द बिग डैडी। ऑल्सो वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था सो वी टुक परमिशन टू शूट। हमने वहाँ BTS का शूट किया है विच इज ऑन स्वैगर शर्मा शॉर्ट्स। प्लीज आके देखो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। एंड दिस वाज माय आउटफिट फॉर द नाइट एंड आई थिंक आई लुक रियली प्रिटी इन इट। डिलिशियस ब्रेकफास्ट में डिसाइडेड कि हम वापस से होटल आके जो बचा हुआ शूट है उसको कंटिन्यू करेंगे और इसीलिए मैं अपने व्लॉग के लिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बट इन दिस क्लिप यू कैन क्लियरली सी कि पीछे शूट चल रहा है और मैं ये थोड़ा सा क्लिप आपके लिए शूट कर रही हूँ।
सो शूट खत्म होने के बाद वी वेंट फॉर द डिनर एंड आई रियली रियली लव द इंटीरियर ऑफ दिस प्लेस. ये कितना सुंदर, साइलेंट, पीसफुल और प्रिटी है. हाय, सो गुड मॉर्निंग. अभी हम जा रहे हैं फॉर सम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड सम कार से सामान वामान निकाल रहे हैं. आई एम ऑन द वे ऑलमोस्ट एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज आई थिंक ये करने में बहुत मज़ा आता होगा. आई एम रियली नॉट श्योर, मैंने कभी नहीं किया है वाटर स्पोर्ट्स एंड आई थिंक इट विल बी फन. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड एक्चुअली हमें से काफ़ी लोगों ने नहीं किया है पहले, सो इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस. लेट्स सी एंड होप फॉर द रेस्ट. Okay, bhai.
आफ्टर स्पोर्ट्स के इतने थ्रिलिंग से एक्सपीरियंस के बाद वी डिसाइडेड कि हम जल्दी से फ्रेश होकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाएंगे और खाने के साथ साथ इंडिया और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप मैच भी इंजॉय करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया वॉज लूजिंग एंड इसलिए यहाँ पे सबका मुंह बना हुआ था, लिटरली इनका खाना खाने का भी मन नहीं था, एज यू कैन क्लियरली सी इन द वीडियो। सो यही इस ट्रिप का एक लौता सैड मोमेंट था। अपार्ट फ्रॉम दिस द होल ट्रिप वॉज अमेजिंग एंड दैट वॉज ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड आई लव यू गाइज़।